इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मेरा नाम रितेश है। मैं सिटी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक स्टाफ मेंबर के पद पे काम करता हूँ। मुझे यहाँ काम करते करते 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी उसे एक रात की भयानक घटना के बारे में बुरे बुरे सपने आते हैं। उस हॉस्पिटल का मुर्दा घर उसके बेसमेंट में था। मैं उस वक्त एक 20 साल का जवान लड़का हुआ करता था और एक मुर्दा घर में मुर्दों के बीच काम करना मुझे खासा पसंद नहीं था, मगर नौकरी थी, जैसा कहा जाता वैसा ही करना पड़ता था। जॉब की शुरुआत में तो मुझे उस मुर्दा घर में डे शिफ्ट में काम सौंपा गया और लगभग 6 महीनों तक डे शिफ्ट में काम करने के बाद एक दिन मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे इमरजेंसी मीटिंग के लिए कॉल किया। मैं सुपरवाइज़र से मिला तो उसने मुझे बताया कि जो आदमी मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट्स में काम किया करता था, उसने अचानक से जॉब छोड़ दी है और इसलिए जब तक नाइट शिफ्ट के लिए किसी नए आदमी को अपॉइंट नहीं किया जाता, तब तक किसी को उसकी जगह काम करना पड़ेगा। तो अपने सुपरवाइज़र को इम्प्रेस करने के लिए मैंने नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए हाँ कर दी। तो उसने मुझे एक नया टाइम टेबल दिया जिसमें मुझे शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक उस मुर्दा घर में ड्यूटी करनी थी, वो भी 1 महीने के लिए। दिन में उस मुर्दा घर में काम करना मुश्किल नहीं था, मगर रात में उसी मुर्दा घर में एक अलग ही डर का माहौल सा बना रहता था। समय को काटने के लिए मैं मुर्दा घर के बाहर टहलता या कभी कभी इमरजेंसी वार्ड में चला जाया करता था, जो उस मुर्दा घर के ऊपर वाले फ्लोर पे ही था। एक रात मैं अपने केबिन में बैठा कुछ रिपोर्ट्स बना रहा था कि तभी मेरे एक सहकर्मी ने मुझे कॉल करके इमरजेंसी वार्ड में बुलाया। वहां पहुंचकर उसने मुझे बताया कि केबिन नंबर 3 में एक एक्सीडेंट केस आया था। एक आदमी का बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था और वो मौके पर ही मर गया था। तभी मैंने केबिन नंबर 3 से 3 डॉक्टर्स को बाहर निकलते देखा। उन तीनों के सफ़ेद कोट खून से सने हुए थे। मुझे उस आदमी की डेड बॉडी को मुर्दा घर में शिफ्ट करने को कहा गया और बताया कि उसका पोस्टमार्टम अगली सुबह किया जाएगा। अपनी जॉब में मैंने अब तक न जाने कितनी ही डेड बॉडीज देखी होंगी, मगर उस रात केबिन नंबर 3 में पड़ी डेड बॉडी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने बेड पर पड़ी एक खून से सनी लाश जिसके पूरे शरीर में गहरे गहरे घाव थे। जिस बेड पर वो लेटा हुआ था वो बेड भी खून से पूरा भीगा हुआ था। उसके घावों का मांस उसके शरीर से लटक रहा था। उसके हाथ पैरों की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी, मगर जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। ऐसा लग रहा था अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से वो मुझे ही देख रहा हो। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके फटे हुए सिर से बहता हुआ खून उसकी आंखों में भी भर गया था, जिसकी वजह से वो बेहद ही डरावना लग रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा मानो जैसे उस लाश ने मुझे देखकर अपनी पलकें झपकाई, कि तभी मेरे कंधे पर एक हाथ आया। मैंने डर कर पलट के पीछे देखा, वो मेरे सहकर्मी का हाथ था। वो मुझसे बोला, क्या बात है रितेश, कहाँ खो गए? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम शुरू किया। मैंने उस डेड बॉडी को एक डेड बॉडी बैग में डालकर उसकी जिप बंद करके उसे स्ट्रेचर में रखा और उसे लेकर सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उस डेड बॉडी को मुर्दा घर में शिफ्ट करना था। वो मुर्दा घर बेसमेंट में था। लिफ्ट के अंदर पहली बार मुझे किसी मुर्दे के साथ बड़ा ही अजीब लग रहा था। मुर्दा घर के अंदर पहुंचकर मैंने एक बार फिर से उस डेड बॉडी के बैग की जिप खोली और उस डेड बॉडी का डरावना चेहरा मेरे सामने आया। वो अभी भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे मुर्दा घर के कोल्ड चैम्बर में डाला और चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं वापस अपने केबिन में आया और कुर्सी में बैठकर रिपोर्ट्स बनाने लगा। उस बेसमेंट में चारों तरफ एक अजीब ही सन्नाटा था, जो कि अक्सर एक मुर्दा घर में होता ही है, लेकिन उस रात का सन्नाटा मुझे डरा रहा था। मैं रिपोर्ट्स बनाने में बिजी था कि तभी एक आवाज़ ने मेरा ध्यान तोड़ा। मुझे बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे केबिन के बाहर कॉरिडोर था जिसके दूसरे छोर पर वो रूम था जहां सारी डेड बॉडीज को रखा जाता था। मैं खड़ा उठा और कॉरिडोर में गया, मगर वहां कोई नहीं था। तब मैं उस रूम की तरफ जाने लगा जहां डेड बॉडीज रखी हुई थी, कि तभी मुझे ऐसा लगा
मानो जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पलटकर पीछे देखा मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा इस डरावनी सिचुएशन में मुझे सिर्फ भ्रम हो रहा है। मैं डेड बॉडीज वाले रूम में गया तो देखा वहां सब अपनी जगह में था सिवाय एक चीज के। मेरे सामने एक कोल्ड चैम्बर खुला हुआ था। ये वही कोल्ड चैम्बर था जिसमें अभी कुछ देर पहले मैंने वो डेड बॉडी रखी थी। मैं डरते हुए उसके पास गया। मैंने उस कोल्ड चैम्बर को बाहर खींचकर देखा तो पाया उस आदमी की डेड बॉडी अभी भी उसी के अंदर थी, मगर उस डेड बॉडी का मुंह जो कुछ देर पहले खुला हुआ था वो अभी बंद था और अभी उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने मन में सोचा भाड़ में जाए ड्यूटी, अब मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा सोचकर मैंने वो कोल्ड चैम्बर वापस अंदर धकेला और उस रूम से बाहर निकलने के लिए एग्जिट डोर तक जाने लगा। मैं मन ही मन बहाना सोच रहा था कि अपने सुपरवाइजर से क्या बोलकर छुट्टी लूं कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने डरते डरते पलट कर पीछे देखा। मैंने देखा कोल्ड चैम्बर का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था और इस बार वो डेड बॉडी उस चैम्बर से ऐसे रेंगते हुए बाहर आ रही थी मानो जैसे कोई भयानक शैतान नर्क के द्वार से बाहर निकल रहा हो। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई थी मानो जैसे आंखें बाहर ही निकल जाएंगी। रेंगते रेंगते वो डेड बॉडी खड़ी हो गई। उसके घावों में से खून अभी भी बह रहा था और उसके पैरों से होते हुए पूरे फ्लोर में फैलने लगा। इस भयानक मंजर को देखकर मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊं, मगर मेरी बुरी किस्मत, मैं खड़ा था और उसे अपने करीब आता देख रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे कहा, तुम तो मर चुके हो। मगर वो डेड बॉडी हंसने लगी और चलते हुए मेरे करीब आने लगी। मैं चीखने ही वाला था कि वो एकदम से मेरे मुंह के सामने आई और मेरी चीख मेरे हलक में ही फंस कर रह गई। वो डेड बॉडी मुझे ऊपर से नीचे तक यूं घूर रही थी मानो जैसे मुझे खाने के बारे में सोच रही हो। मैं किसी हलाल होने वाले बकरे की तरह कांप रहा था। तब मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ऐसा सुनते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई और कुछ पल खामोशी से मेरी आंखों में देखते हुए वो बोला, उनको बोलना कार एक्सीडेंट से पहले मुझे जहर दिया गया था, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने पूछा, किसको? कि तभी मैंने सुना लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से मेरा सहकर्मी कुछ डॉक्टर्स के साथ वहां आया। मेरे सहकर्मी ने मुझे देखा तो बोला, रितेश तुम अभी तक यहीं हो, आज यहाँ ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए था। उसको इस तरह नॉर्मली बात करते देख मुझे बड़ा अजीब लगा। क्या उन्हें मेरे सामने खड़ी डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रही और फ्लोर पे फैला खून दिखाई नहीं दे रहा? ये सोचकर मैंने पलटकर वापस उस डेड बॉडी की तरफ देखा तो पाया वहाँ सब नॉर्मल था। वो डेड बॉडी वहाँ नहीं थी और ना ही फ्लोर पे एक कतरा खून का था। मैंने अपना सिर खुजाया और उन डॉक्टर से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि उस कार एक्सीडेंट में मारे जाने वाले आदमी की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। डॉक्टर्स ने बड़े ही आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। फिर मैं वहां से निकलकर अपने कैबिन में आ गया और अपना बैग लिया और उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर चला गया। अगली सुबह मुझे मेरे सहकर्मी का कॉल आया, ओ माय गॉड रितेश, तुम्हें कैसे पता चला कि उस आदमी की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी? वैसे भी पोस्टमार्टम में पता ही चल जाता, पर तुम्हें पहले से कैसे पता था? मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। मैंने पूछा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से वो बोला, वो आदमी जिसकी डेड बॉडी को रोड एक्सीडेंट से रिकवर किया गया था, उसके पेट से जहर के ट्रेसेस मिले हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कार एक्सीडेंट से पहले जहर दिया गया था। ये क्रिमिनल केस है और पूरे हॉस्पिटल में पुलिस फैली हुई है। उसकी ये बात सुनने के बाद मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। इसका मतलब कल रात जो मेरे साथ हुआ था वो मेरा भ्रम नहीं था। मैंने कल रात सिर्फ एक चलती फिरती लाश ही नहीं देखी बल्कि एक भूत से बात भी की। अगले दिन उस आदमी की गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया और उसने कोर्ट में कबूल कर लिया कि उसने ही उस आदमी को जहर दिया था।
उसकी गर्लफ्रेंड को फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाकर उम्र कैद की सजा हुई और मैं वापस अपने डेली रूटीन में लग गया। लेकिन एक रात जब मैं उस मुर्दा घर में एक डेड बॉडी को कोल्ड चैम्बर में डालकर वापस अपने कैबिन में जा रहा था, तो मुझे लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ा वही आदमी दिखाई दिया और इस बार वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका था, उसका चेहरा भी और ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसे फिर से अपने सामने देखकर मेरी रूह कांपने लगी। वो आदमी मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराया और उसने अपना एक हाथ उठाया। उसके हाथ से उसका मांस नीचे लटक रहा था जिसमें से खून टप टप करके टपक रहा था। उसके हाथ की हड्डियां भी नजर आ रही थी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और मुझसे थैंक्स कहकर हवा में कहीं गायब हो गया। एक बार की बात है, मैं एक काफी पुराने हॉस्पिटल में एक नर्स के ओहदे पे काम किया करता था। वो मेरी नई जॉब थी और अभी कुछ ही दिन हुए थे। उस हॉस्पिटल में ज्यादा चहल पहल नहीं थी क्योंकि वहाँ ज्यादा मरीज आते नहीं थे। उस हॉस्पिटल में मौतें बहुत होती थी, इसलिए उस हॉस्पिटल को मनहूस माना जाता था। मगर सबकी एक जैसी सोच नहीं थी, कुछ लोग इलाज के लिए आते ही थे और इसी वजह से उस हॉस्पिटल का गुजारा चल रहा था और मेरा भी। एक बार मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था, मेरे अलावा वहाँ मेरा एक सहकर्मी भी था। मैं किसी काम से बेसमेंट में गया, मगर बेसमेंट में जाकर मुझे कुछ अलग ही वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे बेसमेंट में मेरे अलावा भी कोई है। मुझे कभी किसी के चलने की आवाज़ आती तो कभी गुनगुनाने की और कभी सीटी बजाने की, पर मेरा सहकर्मी तो ऊपर था, नीचे बेसमेंट में कौन हो सकता है। ये सोचकर मैंने बेसमेंट के चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। हाँ, मगर बेसमेंट के एक कोने में काफ़ी अंधेरा था। मैंने उस तरफ देखा, मुझे लगा शायद मेरा सहकर्मी होगा, मगर वहाँ भी कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे होंगे या मुझे भ्रम हुआ होगा, इसलिए मैं एक खाली रूम पे गया और जेब से सिगरेट निकाल के जलाई और एक लंबा कश भर के धुआं हवा में छोड़ा कि तभी मेरे दरवाजे पर एक जोर की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो एक खाली स्ट्रेचर बाहर गैलरी में अपने आप चल रहा था। वो कभी इस दीवार पे टकरा रहा था तो कभी उस दीवार पे। यहाँ पे मुझे लगा कि शायद मेरा सहकर्मी मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। मैंने उसे कॉल करके पूछा तो उसने बताया कि वो तो ऊपर कैफेटेरिया में है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा उसे रंगे हाथों पकड़ता हूँ। मैं जानता था कि वो कैफेटेरिया में तो होगा नहीं, यहीं कहीं मेरे आसपास ही होगा, इसलिए मैं उसे ढूंढने लगा। मैं लॉन्ड्री रूम के पास से गुजरा ही था कि तभी लॉन्ड्री रूम के अंदर से वॉशिंग मशीन के चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे से अंदर झांका, सोचा कि मेरा सहकर्मी वहाँ होगा, मगर लॉन्ड्री रूम भी एकदम खाली था। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मैं लॉन्ड्री रूम के अंदर घुसा, मेरे अंदर घुसते ही वॉशिंग मशीन्स अपने आप बंद हो गई। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उल्टे कदम उस रूम से बाहर भागा और सीधा एलिवेटर की तरफ गया कि तभी मुझे फिर से वही सीटी सुनाई दी। उसे सुनकर मेरे शरीर में डर की एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। लिफ्ट अभी ऊपर से नीचे आ रही थी कि तभी बेसमेंट में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी, अलमारियों में रखा सामान भी अपने आप नीचे गिरने लगा, बेसमेंट की लाइट्स जलने बुझने लगी। मैं लिफ्ट के आने का इंतज़ार करता हुआ बस उन चीज़ों को अपने आप हिलते और चीज़ों को गिरते देख रहा था। ऐसा तो मैंने सिर्फ हॉरर फिल्मों में देखा था, मगर आज अपने साथ होते देख रहा था। डर से मेरी धड़कनें 150 की स्पीड से भाग रही थी, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे, माथे से पसीना बहने लगा था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि बेसमेंट के उस अंधेरे कोने से कोई मुझे देख रहा है। अब मुझे पक्का यकीन था कि उस बेसमेंट में मेरे अलावा भी कोई है, मगर वो कोई इंसान तो नहीं है। तभी मेरे पीछे लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, मैं झट से लिफ्ट के अंदर घुसा, मगर तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिफ्ट से बाहर खींच रहा हो। मगर मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और लिफ्ट बंद करके ऊपर गया।
लिफ्ट से निकलकर मैं भागते हुए सीधा कैफेटेरिया में घुसा। मैंने देखा सच में मेरा सहकर्मी वहां बैठा हुआ था। अगले दिन मैंने वो हॉस्पिटल ही छोड़ दिया और दूसरी जगह जॉब ढूंढ ली। इस पूरी घटना में सबसे अजीब बात यह थी कि अक्सर जब मैं अकेला काम कर रहा होता हूँ तो गुनगुनाता हूँ, सीटी बजाता हूँ, तो उस रात बेसमेंट में वो जो भी प्रेत आत्मा थी वो मेरी नकल कर रही थी। आज भी जब उस रात की बात याद आती है तो मेरा शरीर डर से सिहर जाता है। सन 1920 की बात है। यूलेलिया नाम की एक जवान खूबसूरत नर्स ने एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। वो अपने काम और अपने मरीजों के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम किया करती थी। वो दिखने में भी काफी आकर्षक थी। उसका यूनिफॉर्म अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ और उसके बाल अच्छे से बंधे हुए हुआ करते थे। उसे देखकर लगता था जैसे वो अभी अभी तैयार होकर आई हो। एक दिन उस हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट भी दिखने में काफी सुंदर था। वो यूलेलिया को पसंद करने लगा था मगर यूलेलिया उसे भाव नहीं देती थी। बाकी नर्सों ने यूलेलिया को रॉबर्ट के बारे में बताया कि वो एक दिलफेक किस्म का बदमाश लड़का है, उससे दूर ही रहे। मगर एक लंबे समय तक नाइट शिफ्ट में साथ काम करने से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों काफी करीब आ गए। अब यूलेलिया भी रॉबर्ट को चाहने लगी थी। रॉबर्ट यूलेलिया का पहला प्यार था। एक दिन रॉबर्ट को 2 हफ्तों के लिए किसी सेमिनार में शामिल होने के लिए जाना था, तो उसने यूलेलिया को कहा कि वो उसके कपड़ों में इस्त्री करके उन्हें अच्छे से बैग में पैक कर दे। रॉबर्ट हमेशा ही यूलेलिया के तह किए हुए कपड़ों से भरी अलमारी की तारीफ किया करता था। यूलेलिया ने खुशी खुशी रॉबर्ट के कपड़ों को इस्त्री कर उसके सूटकेस में पैक करके उसे रवाना किया। रॉबर्ट को गए हुए 2 दिन हो गए और यूलेलिया को रॉबर्ट की याद सताने लगी। रॉबर्ट के साथ गुपचुप बिताए कुछ हफ्ते उसे याद आने लगे। तभी उसकी एक सहकर्मी नर्स ने उसे एक दुखद खबर दी। उस नर्स ने यूलेलिया को बताया कि रॉबर्ट किसी सेमिनार में नहीं गया बल्कि उसकी शादी होने वाली है और वो 2 हफ्तों के लिए हनीमून पे जाने वाला है। वो वापस नहीं आने वाला क्योंकि उसने जाने से पहले ही हॉस्पिटल में अपना इस्तीफा दे दिया था। ये बात सुनकर यूलेलिया का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसका ध्यान हमेशा कहीं और ही रहता था। ना वो पहले की तरह ठीक से कपड़े पहनती और ना ही बाल बनाती थी। अपने काम पे भी उसका मन नहीं लगता था। उसका ध्यान हमेशा भटका हुआ रहता था। अब उससे अपने काम में गलतियां होने लगी और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसकी दी हुई गलत दवाइयों की वजह से एक मरीज की मौत हो गई और यूलेलिया इस बात को सहन नहीं कर सकी और उसने खुद को मार डाला। उसकी लाश उसी मरीज के बेड के ऊपर पड़ी मिली जो मरीज उसकी गलती की वजह से मरा था। कुछ साल बाद रॉबर्ट उस हॉस्पिटल में वापस आया मगर किसी ने भी रॉबर्ट को यूलेलिया के बारे में एक शब्द नहीं कहा। रॉबर्ट भी जानता था कि क्यों वो सब यूलेलिया के बारे में कुछ नहीं कहते, इसलिए वो भी चुपचाप अपने काम से मतलब रखता। मगर रॉबर्ट जब से उस हॉस्पिटल में आया था उसके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। वो जब भी हॉस्पिटल में अकेला होता था तो उसके आसपास का तापमान अपने आप गिरने लगता और ठंड बढ़ने लगती। कभी कभी उसके पास रखे उसके मेडिकल औजार अपने आप ज़मीन में गिर जाते। तभी एक रात रॉबर्ट को एक सर्जरी करनी थी और जब वो सर्जरी कर रहा था तो पूरे वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा उस पर नज़र रखे हुए है। सर्जरी हो चुकी थी और सर्जरी में उस मरीज का बहुत खून बह चुका था और उस मरीज के बचने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अगली सुबह जब डॉक्टर वापस आया तो ये देखकर चौंक गया कि वो मरीज जिसका कल ऑपरेशन हुआ था वो अपने बेड पर एकदम मज़े में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके सभी वाइटल ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे थे। वो एकदम स्वस्थ लग रहा था। रॉबर्ट के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर वो बोला, आपका स्टाफ बहुत ही अच्छा है, खासकर वो जो पूरी रात मेरे साथ थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। रॉबर्ट ने उससे पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो वो बूढ़ा मरीज बोला, वही प्यारी सी सुंदर सी दिखने वाली नर्स यूलेलिया। यूलेलिया का नाम सुनकर रॉबर्ट के चेहरे में हैरानी के भाव और ज्यादा गहरे होने लगे।
उसके शरीर में कपकपी सी उठने लगी। वो भाग कर सीधा अपने केबिन में गया और दरवाजे को अच्छे से लॉक करके उसके सामने एक भारी मेज रख दी। वो बहुत डरा हुआ था, उसके माथे में पसीने की बूंदें उभरने लगी। इतने दिनों से उसके साथ घट रही अजीब घटनाओं की वजह वो जान गया था। वो समझ गया था कि वो सब यूलेलिया ही कर रही थी। तभी रॉबर्ट को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर पीछे देखा, पीछे यूलेलिया खड़ी थी, पहले की तरह खूबसूरत, बस उसकी आंखें अंदर को धस चुकी थी, जिनमें सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। यूलेलिया को देखकर रॉबर्ट की आंखों में आंसू भर आए। उसने प्यार से यूलेलिया को छूना चाहा। उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी यूलेलिया ने रॉबर्ट का हाथ कस कर पकड़ा और पास रखी एक गर्म इस्त्री उठाई और सीधा रॉबर्ट के चेहरे पर रख दी। उस गर्म इस्त्री से रॉबर्ट के चेहरे की चमड़ी जलने लगी। रॉबर्ट जोर जोर से चीखा। वो जितना चीखता यूलेलिया उतनी जोर से उसके चेहरे पर वो जलती इस्त्री दबाती। फिर उसने रॉबर्ट के पूरे शरीर को उस इस्त्री से जला डाला। ये करीब एक घंटे तक चला। रूम के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ खड़ा रॉबर्ट की मदद के लिए पुकारती चीखें सुन रहा था, मगर सभी ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे। रॉबर्ट की मौत हो गई। यूलेलिया आज भी उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में नजर आती है, मगर वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यूलेलिया की वजह से उस हॉस्पिटल में रात में किसी मरीज की मौत नहीं होती। कभी कोई क्रिटिकल सर्जरीज होती तो यूलेलिया की मौजूदगी को महसूस किया जाता। लोग यूलेलिया को ला प्लानचाड़ा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है द आयरन लेडी। शहर का एक जाना माना हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में देश के टॉप डॉक्टर्स और नई से नई तकनीक वाली मशीनें लगी हुई थी। कितना भी सीरियस पेशेंट वहां आता और स्वस्थ होकर ही घर वापस जाता। पूरे देश में उस हॉस्पिटल का बहुत नाम था, कई बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके थे। लेकिन एक दिन एक बड़े पॉलिटिशियन की मौत के बाद जैसे सब कुछ उल्टा हो गया। एक के बाद एक मरीजों की मौत होने लगी, आसान से आसान ऑपरेशन फेल होने लगे, मामूली से मामूली बीमारियों में पेशेंट्स की मौत होने लगी। डॉक्टर्स सभी हैरान थे कि इतनी आधुनिक मशीनों और बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स के बावजूद भी ये मौतें कैसे हो रही हैं। सभी हैरान और परेशान थे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए हॉस्पिटल में हवन कराया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात एक सीनियर नर्स सुषमा अपने रूटीन के हिसाब से पेशेंट्स को चेक करने गई। जब वो कॉरिडोर में पहुंची तो उसने देखा एक पेशेंट अपने वार्ड के बाहर कॉरिडोर में गिरा पड़ा है। सुषमा ने पास जाकर देखा, वो एक 80 साल का पैरालाइज्ड पेशेंट था। पर वो वहां कॉरिडोर में कैसे पहुंचा, ये हैरान करने वाली बात थी। सुषमा ने उसको उठाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था, मानो जैसे उसमें दो लोगों का वजन हो। सुषमा अकेले उसको उठा नहीं पा रही थी, तो सुषमा ने अपना फोन निकाला और ड्यूटी रूम में दूसरी नर्स को कॉल लगाया। उधर से कॉल रिसीव नहीं हुआ। सुषमा ने दोबारा फोन लगाया, मगर इस बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। सुषमा मदद मांगने के लिए वहां से सीधा ड्यूटी रूम में गई, मगर वहां भी कोई नहीं था। तभी हॉस्पिटल के बाहर अफरा तफरी मची। एक पेशेंट 5th फ्लोर से गिर के मर गया था। सुषमा ने हॉस्पिटल के बाहर जाके देखा तो वहां पे वही 80 साल का पैरालाइज्ड पेशेंट मरा पड़ा था, जो कुछ देर पहले सुषमा के सामने कॉरिडोर में गिरा हुआ था। सुषमा ने 5th फ्लोर की ओर देखा, जहां से वो पेशेंट गिर के मरा था। वहां पे उसे एक नर्स दिखाई दी जो खड़े होकर नीचे देख रही थी। तब तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने वहां से भीड़ हटाने को कहा और सभी नर्सेस एंड हॉस्पिटल वर्कर्स को हॉस्पिटल के अंदर जाने को कहा और बॉडी का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक इंस्पेक्टर तहकीकात के लिए हॉस्पिटल के सारे स्टाफ से पूछताछ करने लगा। सभी नर्सेस ने कहा कि वहां पे सुषमा की ड्यूटी लगी थी। सुषमा को बुलाया गया। पूछने पर सुषमा ने सब बता दिया कि वो राउंड पे थी, तभी कॉरिडोर में वो पेशेंट गिरा पड़ा था। उठाने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था और वो उसे अकेले उठा नहीं पाई। हेल्प लेने के लिए उसने फोन किया, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। ड्यूटी रूम में जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। इतने में हॉस्पिटल के बाहर अफरा तफरी मची और वो बाहर आ गई। फिर उसने बताया कि जब वो नीचे हॉस्पिटल के बाहर थी, उसने ऊपर 5th फ्लोर पे खड़ी किसी नर्स को देखा। इंस्पेक्टर ने पूछा कि वो कौन था, तो सुषमा ने कहा कि इतनी दूर से पहचान नहीं पाई। इंस्पेक्टर ने सबको अपना अपना काम करने को कहा और सीधे सिक्योरिटी रूम की तरफ गया। वहां सीसीटीवी चेक किए गए, मगर सीसीटीवी में सुषमा के अलावा 5th फ्लोर पे कोई भी नहीं गया था। लेकिन जहां से वो पेशेंट गिरा था, वो जगह सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए इंस्पेक्टर उस जगह पे गया जहां से वो पेशेंट गिर के मरा।
वहां पहुंच के निरीक्षण किया तो फर्श पे जमी धूल पे कदमों के निशान थे। मतलब यह सच था कि वहां पे कोई तो था जिसने पेशेंट को उठाकर वहां से नीचे फेंका। इंस्पेक्टर ने आसपास नजर घुमाई तो उसने देखा सामने एक बिल्डिंग पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, शायद उन कैमरों में कुछ दिख जाए। ये सोचकर इंस्पेक्टर ने उस बिल्डिंग में जाके वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इंस्पेक्टर का अंदाजा एकदम सही था। एक फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक नर्स ने उस बूढ़े पेशेंट को बिल्डिंग से नीचे फेंका, पर वो नर्स कौन थी ये साफ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए इंस्पेक्टर ने उस फुटेज को प्रोसेस होने के लिए फोटो लैब भेज दिया। तब तक वो इंस्पेक्टर वहीं हॉस्पिटल में ही रहा और सभी नर्सेस के हाव भाव पड़ने लगा, मगर किसी को देखकर ये नहीं लगा कि उनमें से किसी ने जुर्म किया हो। लेकिन जब फोटो लैब से वो सीसीटीवी फुटेज प्रोसेस होके आई तो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि किसने उस पेशेंट को बिल्डिंग से नीचे फेंका। उस फुटेज में कोई और नहीं था बल्कि सुषमा ही थी जिसने उस पेशेंट को अपने हाथों से उठाकर नीचे फेंक दिया था। सुषमा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सुषमा ने जुर्म कबूल नहीं किया, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फुटेज में वो नहीं थी बल्कि मोनिका थी। उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो मोनिका है। उस फुटेज में सुषमा को वो नहीं दिखाई दे रही थी बल्कि मोनिका दिखाई दे रही थी, और बाकी सभी को उसमें सुषमा दिख रही थी। सुषमा पागलों की तरह हंसने लगी और पुलिस वालों को उल्टा सीधा बकने लगी। वो पागल हो चुकी थी और बार बार मोनिका का नाम लेके बोल रही थी कि ये खून मोनिका ने किया है, मोनिका ने ही उस पेशेंट को बिल्डिंग से नीचे फेंका था। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, वो मुझसे बदला ले रही है। इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल जाके मोनिका के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला मोनिका उस हॉस्पिटल में एक सीनियर नर्स थी जो बहुत ही हसमुख और लविंग नेचर वाली औरत थी। सभी उसे बेहद पसंद करते थे, अपने काम में वो बेहद ही परफेक्ट थी, उससे कभी कोई गलती नहीं होती। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स उस पर बहुत भरोसा करते थे। मगर एक दिन उसके सुपरविजन में एक पेशेंट की मौत हो गई। पेशेंट एक बड़ा पॉलिटिशियन था और बहुत ज़्यादा सीरियस था। उसको वेंटिलेटर में रखा गया था। उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वेंटिलेटर बंद था। इस बात के लिए सीनियर डॉक्टर्स ने मोनिका को पूरे स्टाफ के सामने बहुत बुरा भला कहा। मोनिका ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने अच्छे से सब चेक किया था, वेंटिलेटर ऑन था, किसी और ने उसमें छेड़खानी की होगी, मगर उसकी एक नहीं सुनी गई और उसको उसकी गलती के लिए नौकरी से निकाल दिया गया। ये बेइज्जती मोनिका सह नहीं पाई और हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा कि उसने खुदकुशी कर ली। तभी से वो इस हॉस्पिटल में थी और अपनी बेइज्जती का बदला ले रही थी, और आज उसका बदला पूरा हुआ, क्योंकि सुषमा ही वो शख्स थी जिसकी वजह से मोनिका की सालों की इज्जत पल भर में बर्बाद हो गई। सुषमा ने ही उस पॉलिटिशियन के वेंटिलेटर को बंद किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी, और सारा इल्जाम मोनिका पे लगा दिया गया था। सुषमा मोनिका से चिढ़ती थी क्योंकि मोनिका पूरे हॉस्पिटल की चहेती थी और पूरे हॉस्पिटल में सबकी जबान में मोनिका का ही नाम रहता था। बस सुषमा को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मोनिका से चिढ़कर उसने वो वेंटिलेटर को बंद कर दिया ताकि मोनिका के करियर में एक दाग लग जाए। हॉस्पिटल वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर एक हवन रखा गया मोनिका की आत्मा की शांति के लिए। सुषमा को पागलखाने भेज दिया जाता है जहां कुछ समय बाद वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है, और मोनिका को आज भी हर महीने की सैलरी मिलती है जो सीधा उसके बच्चों को दी जाती है। उसकी ड्यूटी भी लगाई जाती है, त्योहारों की छुट्टी, दिवाली का बोनस सब उसको मिलता है, और हर साल उसकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है। जैसे एक आम नर्स को फैसिलिटीज मिलती है वैसे ही मोनिका को भी मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल में और भी कई ओरिजिनल स्टोरीज हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। धन्यवाद।